लॉकडाउन में अपने बीमार पिता को साइकिल से हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित अपने घर लाकर सुर्खियां बटोर चुकी ज्योति की हत्या अफवाह फैलाने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पतोड़ सहायक थाना के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले के पतोड़ सहायक थाना क्षेत्र के पतोड़ गांव में पिछले बुधवार को बगीचे से एक लड़की का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान ज्योति पासवान के रूप में की गई। कुछ लोगों ने मृत ज्योति पासवान को साइकिल गर्ल ज्योति मानकर अफवाह फैला दी। कमतौल थाना में साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाबूराम ने कहा कि फेसबुक पर हत्या की अफवाह फैलाने वाला पोस्ट अपलोड करने वाले शाहीन स्वेगर पॉलिटिकल पोपट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत के आदेश मिलने के बाद उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वार्थी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास निंदनीय है। बाबूराम ने बताया कि मृत ज्योति के पिता के आवेदन पर पतोड़ सहायक थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अर्जुन मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं कर पाने के कारण पतोड़ के थाना अध्यक्ष सुभाष चंद्र मंडल को निलंबित कर दिया गया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी भी 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगी। लगातार छापेमारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली के करंट को मौत का कारण बताया गया है। मृतका के साथ बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।